हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है टेक्निकल स्वराज्य। गाइस, आज हम यहां पे एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं और गाइस बहुत बड़ा मौका मिल रहा है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को, क्योंकि आज हम बात करने वाले ये जो वीडियो स्पॉन्सर हुआ है वो है इंडियन आर्मी के तरफ से। बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है इंडियन आर्मी, अगर आपको देश की सेवा करनी है, देश की आपको मिट्टी से प्यार करना है, तो ये मौका गाइस आपको गवाना नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल रहा है एक बहुत अच्छा मौका वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को इंडियन आर्मी में रैली में शामिल होने का। गाइस, यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ, तो गाइस इसके लिए जरूर एक लाइक तो बनता है। रैली की बात करते हैं गाइस, 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर 2019 के बीच में आपकी रैली होने वाली है। रैली का जो एड्रेस है गाइस मैंने थंबनेल के ऊपर दिया है, आप अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। तो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो नीचे, ठीक है, तो बस आपको इस एड्रेस पे जाना है आपको सीधे रैली में शामिल होने के लिए। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं योग्यता पात्रता की। अगर आप 10वीं पास हो या आप 12वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है, उसके बाद आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, तो वो सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को बस आपको अंत तक देखना है, थोड़ा भी स्किप नहीं करना। अगर आप थोड़ा भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मिलेगी आपको गवर्नमेंट अपडेट्स, मतलब जैसे ही सरकारी विभागों में भर्ती आती है या प्राइवेट सेक्टर में भर्ती आती है तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, मतलब अपडेट करते हैं। तो गाइस नीचे रेड कलर का सब्सक्रिप्शन बटन होगा, बस आपको उसको प्रेस करना है, उसके साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। अभी हम आपको बताएंगे आपको बेल आइकन को क्यों प्रेस करना है, ठीक है, ताकि जैसे मैं यहां से कोई भी वीडियो बना दूं, सरकारी विभागों में भर्ती आई है, चलो ठीक है मैंने वीडियो बना दिया और आपने वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस ही नहीं किया, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं अगर आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सीधा आप वीडियो देख सकते हो मेरा, ठीक है। तो गाइस मौका छोड़ना नहीं है और बस आपको सब्सक्रिप्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके साथ आपको घंटे को भी हल्के हाथों से दबाना है और भविष्य में कई भी मतलब कभी भी भर्ती आती है या किसी भी विभाग में भर्ती आती है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट देते हैं। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, बहुत सारे भर्ती आ चुके हैं, जैसे मध्य प्रदेश सागर कैंटोनमेंट बोर्ड में यहाँ पे भर्ती आई है। अगर आप 8वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो अभी तक देखा नहीं है तो इसे जरूर आप देख लेना। अंबाला कैंट में भर्ती हो रही है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अंबाला जो बल्कि करनाल कुरुक्षेत्र यमुनानगर पंचकुला और चंडीगढ़ के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। नेहरू युवा केंद्र संगठन में नई वापस से भर्ती आई है, ठीक है, अगर आपने देखा नहीं है ये वीडियो तो आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, नोटिफिकेशन फॉर वेस्ट बंगाल इंडियन आर्मी, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता मतलब आपको बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे इन्होंने कुछ थोड़े बहुत डिस्ट्रिक्ट दिए हैं, तो आप इस डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी जो रैली होगी वो 5 सितंबर से लेके 12 सितंबर के बीच में चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, इसके जो आवेदन है आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, ठीक है, जो बल्कि 7 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना है, वो आपको 1 महीने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। और जो इसके एडमिट कार्ड है गाइस आपको तुरंत 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त के बीच में आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि आपको सारी यहाँ पे इन्होंने जानकारी बताई है। ये जो एड्रेस है जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसे आप एक बार अच्छे से देख लेना। अगर आप स्किप कर चुके हो तो वीडियो को स्टॉप करके आप जरूर इसे एक बार देख लेना। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी के वाइज, यहाँ पे एज लिमिट, बॉर्न जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, हाइट कितनी लगेगी, वेट कितना लगेगा, फिर उसके आपका सेंटीमीटर जो चेस्ट होगा कितना सेंटीमीटर लगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगेगी, तो सारी जानकारी देखेंगे इस वीडियो में।
फिलहाल यहाँ बात करते हैं एक एक पोस्ट करके हम देखेंगे यहाँ पे सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच में है, मतलब 1 अक्टूबर 1998 से लेके आपकी जो जन्म डेट है 2002 के बीच में आती है, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। आपकी जो हाइट है 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका जो वजन है सबको यहाँ पे 50 होना चाहिए, हाइट भी है 169 सबको एक ही है, और जो चेस्ट है उन सभी के लिए एक इन्होंने 75 बल्कि आपको 5 सेंटीमीटर बहुत अच्छे से फुलवाना है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप 10वीं पास हो 45% के साथ तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। दूसरी जो पोस्ट है गाइस वो है सोल्जर टेक्नीशियन की पोस्ट है, अगर आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में है, मतलब 1 अक्टूबर 1996 से लेके 2002 के बीच में है, तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ सोल्जर टेक्नीशियन और सोल्जर टेक्नीशियन एविएशन जो है गाइस इसमें सारे जन्म डेट एक ही है, आपकी जो हाइट 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, आपका जो वेट है 50 होना चाहिए, और आपका जो चेस्ट है 77 आपको 5 सेंटीमीटर फुलवाना है, और आपकी जो जन्म डेट है 1 अक्टूबर से लेके 1996 से लेके 2002 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, अगर आप 10वीं या 12वीं पास हो साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 50% के साथ तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपके जो पोस्ट इन्होंने बताई है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में, और यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के साथ 50% के साथ तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। चौथी जो पोस्ट है गाइस वो है सोल्जर क्लर्क, मतलब स्टोर कीपर टेक्नीशियन के लिए 17.5 साल आपकी उम्र है, तो आप जल्द जरूर इसे आवेदन कर देना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो 60% के साथ आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने 12वीं किया है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं, वैसे इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सारे बताया है कि आपको जो सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए जाना है तो 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए यहाँ पे है गाइस, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, अगर आप 8वीं पास हो 10वीं पास हो 12वीं पास हो तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है, तो इसे गंवाना नहीं है। यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कैंडिडेट्स नेपालीज इंडियंस जो ट्रिबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पे हाइट चेस्ट में और वेट में उनको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात इन्हें यहाँ पे बताई है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, आपका सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में जिसमें आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, उसके बाद जिसमें आपको 60 मार्क्स मिल रहे हैं। फिर जो पुलअप्स लगाने हैं तो पुलअप्स अगर आप 10 लगाते हो तो 40 मार्क्स मिल जाएगा, 9 लगाते हो तो 33 मार्क्स मिलेगा, 8 लगाते हो 27 मार्क्स, 7 लगाते हो 21 मार्क्स, 6 लगाते हो 16 मार्क्स, ठीक है। इस तरह के आपको यहाँ पे मार्क्स दिए रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मतलब जो 9 फीट का डिच होता है वो आपको क्वालिफाई करना है, जिगजैग बैलेंस करना है, ठीक है। ये तो सारा आसान है, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। अभी जो कागज आपको वहां पे लेके जाना है तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाना है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो ले आपको सारे जो मतलब डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाना है। 10th और 12th स्टैंडर्ड का आपको मार्कशीट लेके जाना है, फोटोग्राफ आपको यहाँ पे बहुत सारे लेके जाना है, कम से कम 10-12 फोटो सार फोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी गाइस तो हमने आपके एक आपको बताना चाहते हैं, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, पीडीएफ की आपको यहाँ पे हमने सारी मतलब पीडीएफ की जो लिंक है वो दे रखी है, उसके साथ आपको आवेदन करना है गाइस 7 जुलाई से, उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइंट इंडियन आर्मी की, बस आपको यहाँ पे कैचअप डालना है, फिर आप सीधा ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त लोग के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।